माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, श्री एन के प्रेमचंद्रन द्वारा 11 दिसंबर 2015 को पेश किए गए संकल्प जो कर्मचारियों के भविष्य निधि और पेंशन भोगियों का कल्याण सुनिश्चित करने के संबंध में उन्होंने कुछ अपने विचार और संकल्प प्रस्तुत किए हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। और समर्थन करते हुए जो उनकी मुख्य दो बातें उन्होंने इसमें रखी हैं, एक उनका ये कहना है कि कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अधीन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये करना और जो लगभग 27,000 करोड़ रुपया की अदावाकृत भविष्य निधि की राशि उपयोग करके पेंशन भोगियों के लिए आवास योजना सहित अन्य लाभार्थ की योजनाएं बनाई जाएं, ऐसा उनका विचार है। निश्चित रूप से ये विचार वास्तव में बहुत अच्छा है और किसी भी व्यक्ति के लिए उसके जीवन में आर्थिक सुरक्षा का बड़ा महत्व होता है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश रहा है जहां पर शुरुआत से संयुक्त परिवारों की मान्यता रही है और संयुक्त परिवार में रहते हुए बहुत आर्थिक असुरक्षा की भावना नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे ये बदलाव हुआ और आज जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए आर्थिक रूप से सुरक्षा प्राप्त करना इस समय एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन हम जानते हैं जब ये देश हमारा आजाद हुआ, आजादी के समय से योजनाबद्ध विकास नहीं हो रहा था, उस समय हमारे संगठन ने एक राजनैतिक दल के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और भारतीय जनसंघ की स्पष्ट अवधारणा थी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद पर आधारित थी कि इस देश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को जब तक शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और उसकी जेब में पैसा, उसका सम्मान और संपत्ति सुरक्षित नहीं हो जाती तब तक हमारा और हमारी सरकारों का काम समाप्त नहीं होता है। निश्चित रूप से जो ये बातें हुई हैं, उन्होंने जो बिल प्रस्तुत किया उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको जो मानने योग्य है, कई बातें ऐसे हैं जिन पे हमारी सरकार पहले से काम कर रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानववाद की अवधारणा दी जिस पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, उस सरकार में सारे लोगों की चिंता करते हुए, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे अभी हमारी नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, दोनों सरकारों में जो भी ऐसे लोग हैं जो पिछड़ गए हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, ऐसे वर्गों को हम कैसे समाज की मुख्य धारा में लाएं, इसकी चिंता है। वास्तव में जो एक समाज का सिद्धांत होता है, सामाजिक सिद्धांत है, कि जो लोग सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, वो विकास के प्रवाह में भी अपने हिस्से का विकास नहीं प्राप्त कर पाते, जिसके कारण वो पिछड़ते हुए चले जाते हैं। और ये इस देश में हुआ, इस देश में 40% से अधिक आबादी ऐसे लोगों की है जो शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे। कई लोग अभी तक, कई गांव ऐसे हैं जो जंगलों में लोग रहते हैं जहां से स्कूल और अस्पताल की दूरियां 15 से 30 किलोमीटर तक है। ऐसी स्थितियों में जो हमारे देश के सभी लोगों को मिलना चाहिए थे वो नहीं मिला, और उनके हिस्से का भी जो विकास का की अवधारणा के कारण जो प्रवाह आया था उसका लाभ उन लोगों ने उठाया जो मजबूत लोग थे, जो ताकतवर लोग थे। अभी अधीर रंजन चौधरी जी डिमोनेटाइजेशन की बात कर रहे थे, विमुद्रीकरण की बात कर रहे थे। विमुद्रीकरण की चर्चा आज पूरे हिंदुस्तान में, चाहे हमारी पार्टी ने की हो या हमारे विरोधियों ने अपने तरीके से की हो, लगातार ये चर्चा 8 नवंबर के बाद चल रही है। लेकिन इसके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी का सोच था वो शुरू से ही स्पष्ट था। हम लोगों का ये सोच था कि हम इस देश को के सभी लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाएं। तो जो उन्होंने शुरुआत में पहला जो एक हमारे कार्यक्रम दिया जनधन योजना का, जनधन योजना के माध्यम से वह लोग जो विकास के प्रवाह में पीछे छूट गए थे उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और उसके माध्यम से उन्होंने सिस्टम में लाने के लिए जनधन योजना के माध्यम से बैंक अकाउंट खुलाने शुरू किए, जो 21 करोड़ तक की संख्या तक पहुंचे, 21 करोड़ से ज्यादा लोगों के जनधन के खाते खुले। इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा तबका था
जो इस देश में काफी पीछे छूट गया था, उसको उन्होंने जहां एक तरफ लाने का मुख्य धारा में काम किया, वहीं दूसरी तरफ जो विमुद्रीकरण की बात थी, विमुद्रीकरण के पीछे सीधा सीधा एक ये सिद्धांत था, हमारे यहाँ जो कैश था वो कैश हमारी जीडीपी के 3 गुना से अधिक हो गया था। 3 गुना से अधिक जब ये कैश होता है तो इसका मतलब है कि अतिरिक्त कैश इस समय बाजार में है, और जब बाजार में अधिक रुपया होता है तो उसका दुष्प्रभाव ये होता है कि काला धन भी बढ़ता है, और गलत तरीके से उस धन का प्रयोग होने के कारण देश में जो टैक्स देश को प्राप्त होना चाहिए वो नहीं प्राप्त होता है। विमुद्रीकरण का फायदा यह हुआ कि वो सारा पैसा जो अतिरिक्त था वो आ गया, और अब जितनी आवश्यकता बाजार में है उस पैसे को भारत की सरकार ला रही है। तो ऐसे लोग जो इस सिस्टम से बाहर निकल गए थे, जो बैंक के माध्यम से अपना काम काज ना करके, लिखा पढ़ी में काम काज ना करके, लेजर के माध्यम से ना काम काज करके, जो खुलेआम केवल कैश का लेन देन कर रहे थे, उनके ऊपर एक पाबंदी लगी और वह लोग भी सिस्टम में आ गए। तो जो ऊपर निकल गए थे उनको नीचे लाने का काम, और जो नीचे थे उनको ऊपर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम था जो देश को आने वाले समय में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। अभी हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर बात कर रहे थे, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस देश में बहुत लंबी मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, ना मैं किसी राजनीतिक दल की आलोचना कर रहा हूँ, लेकिन ये निश्चित रूप से अगर इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो 2004 से और 2014 का जो समय है वो इस देश के ऊपर बहुत खराब समय निकला है। उस 10 साल में इस देश का जितना बड़ा नुकसान हुआ है, यहाँ के सीमाएं असुरक्षित हुई, अर्थव्यवस्था हमारी खराब हुई, महंगाई और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, और उसके कारण पूरी दुनिया में भारत का सम्मान भी घटा था, और उसका परिणाम यह हुआ कि इस देश के लोग हताश और निराश हो गए थे। 2014 के चुनाव में जब वो चुनाव आया तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जब मतदान किया तो बहुत उम्मीदों के साथ किया था, और उनको ये उम्मीद थी कि अगर ये राजनीतिक दल की सरकार इस देश में आएगी तो निश्चित रूप से बहुत सारे परिवर्तन होंगे। और 3 साल के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे इस देश के लोगों का विश्वास और भरोसा न केवल लोकतांत्रिक पद्धति की तरफ बढ़ा है, नेताओं पर भी विश्वास बढ़ा है और राजनीतिक दलों पर भी उनका भरोसा और विश्वास कायम हुआ है, और उसी का परिणाम है कि आज लोग सरकार की तरफ बहुत ही उम्मीदों के साथ देख रहे हैं। आज जब हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार ने तुरंत ये तय किया कि ऐसे जो गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो 60 साल की आजादी के बाद भी 60 साल से अधिक समय हो गया लेकिन वो अभी तक मुख्य धारा में नहीं आ पाए, हमारी सरकार ने उनको पहले नंबर पर लिया, पहली प्राथमिकता हमारी वो हुई, और गरीब लोगों को कैसे हम आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराएं, इसके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। और जो उस समय संभव था जब जनधन खातों के माध्यम से हमने उनकी जो एक्सीडेंटल बीमा है उसको करने का काम किया, वहीं पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हम लोग लेकर के आए जो केवल 12 रुपए में थी। एक ये सांकेतिक बीमा था लेकिन इससे ये था कि वह गरीब आदमी जिसके यहाँ अगर कोई इस तरीके की घटना हो जाए, खुदा न खास्ता मृत्यु हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी मृत्यु हो जाती है तो भी उसको 2 लाख रुपए का बीमा मिले, वो उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी सुविधा और बहुत बड़ी मदद होती है। हमारी सरकार ने शुरुआती में दौर में 3 महीने के अंदर ही इसको किया, 330 रुपए के बीमा 1 महीने में जमा करके प्रधानमंत्री बीमा योजना लाए। वहीं पर अटल पेंशन योजना के माध्यम से ऐसे असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए जो जिनके पास बीमा की कोई सुविधा नहीं थी, 60 साल की उम्र हो जाती है, निश्चित रूप से ये मृत्युलोक है, मृत्युलोक में जो आता है वो जाता है, शरीर भी उसका कमजोर होता है, और जब शरीर कमजोर होने लगता है तो काम करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन काम भले बंद हो जाए जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक उसकी आवश्यकताएं जरूर होती है, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की भी मदद जरूरत होती है, और ऐसे समय में आदमी को छोटी सी छोटी रकम भी बहुत बड़ी रकम लगती है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने असंगठित क्षेत्रों के लिए भी, ऐसे लोग भी जो कोई काम काज नहीं करते स्वतंत्र रूप से रहते हैं, उनके लिए भी उन्होंने अटल पेंशन योजना के नाम से एक ऐसी योजना चलाई। आज उसमें
काफी लोगों ने एनरोलमेंट कराया है और उनके लिए व्यवस्था हो गई है 1,000 से 5,000 रुपया प्रति माह तक उनको पेंशन मिलने की उम्मीद बन गई है। ये हमारी सरकार निरंतर कर रही है। आज जैसा हम लोग वातावरण देखते हैं कि 500-500 रुपए की पेंशन के लिए लोग जाते हैं ब्लॉक में, तहसील में, दलालों के चुंगल में आ जाते हैं, वहां पर घूस देते हैं, उल्टी सीधी घोषणाएं करते हैं। ऐसे समय में आदरणीय प्रेमचंद जी ने जो 3,000 रुपए न्यूनतम बीमा की बात की है, उसमें भी हमारी सरकार ने चिंतन किया और हमारी सरकार ने 2014-15 के अपने जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की हमारी बैठक 29/4/2015 को हुई थी, उसमें उन्होंने अध्यधीन कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत प्रति माह 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन को जारी रखने का अनुमोदन कर दिया। ये स्पष्ट रूप से हमारी सरकार की अवधारणा को दिखाता है कि हमारी सरकार चिंतित है कि सभी लोग आर्थिक रूप से सुरक्षित हों और उनके लिए काम करने का निरंतर प्रयास हमारी पार्टी की सरकार कर रही है। लेकिन जो एक बड़ा मुद्दा है वो ये है कि इस समय जो असंगठित क्षेत्र के लोगों के साथ साथ संगठित क्षेत्रों में भी अपना ही भविष्य निधि का पैसा लेने के लिए लोगों को घूस देना पड़ता था, लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, समय पर उनको पेंशन नहीं मिलती थी। अभी मैं आज की ही बात कर रहा हूँ, मैं अभी सेंट्रल हाल से जा रहा था तो मेरी कुछ कर्मचारियों से बात हुई, उनके संज्ञान में था कि आज ऐसा एक बिल आने वाला है, तो वो आपस में चर्चा कर रहे थे। वहां पर एक महिला कर्मचारी थी, उनकी माताजी का कहीं उनके पिताजी को पेंशन मिलती थी, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और लगभग 2 वर्ष का समय हो गया लेकिन उनकी पेंशन फिर से शुरू नहीं हो पाई। ऐसे ही रेलवे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, वहां पर भी पेंशन के कारण बहुत सारी शिकायतें आ रही। उन सारी शिकायतों को मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इन सब चीजों को दूर होना चाहिए और दूर करके इन चीजों के को अगर हम हल करेंगे तो आने वाले समय में जो लोग आर्थिक रूप से अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं उनका भरोसा और विश्वास जो निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति बढ़ रहा है वो और बढ़ेगा। मैं इसी के साथ ये बात भी जोड़ना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने जो पेंशन योजना के संबंध में बहुत सारे उपाय भी किए हैं, उसमें आदरणीय मंत्री जी हमारे जवाब देते समय बहुत सारी जानकारियां देंगे, लेकिन जो एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि एक विशेष एकीकरण अभियान 1 कर्मचारी 1 EPF खाता भी हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से ये होगा कि कर्मचारी कहीं पर भी चाहे वो 10 जगहों पर काम करके आता है तो उसको बार बार ये सूचना नहीं देनी पड़ेगी कि हमारे इस किस अकाउंट से हमको अमाउंट चाहिए। वो सारी व्यवस्थाएं होते हुए उसको जब वो एक नंबर अलर्ट हो जाएगा और वो उसके खाते से जुड़ जाएगा तो उसके अपने आप चाहे वो 10 जगहों से होकर के आएंगे तो भी उनका रिकॉर्ड रखने की उनको जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। उन्हें अपने ईपीएफ खाते की नवीनतम जानकारी के लिए अभी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं लेकिन फिर अपनी ई पासबुक या मैसेज के द्वारा ऐसे उनको रिजल्ट मिल जाएगा और उनको जानकारियां हो जाएंगी। उसके साथ साथ हमारी सरकार ने जो कर्मचारियों के हितों के खिलाफ जो बातें होती थी उनको सभी को रोकने का प्रयास किया है, कर्मचारियों के हितों के खिलाफ हम कोई फैसला ना ले, ऐसी व्यवस्थाएं इस सरकार ने की है। मैं पहले की सरकार की आलोचना नहीं करता क्योंकि आलोचना करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अगर इन्होंने काम ठीक ढंग से किया होता तो आज देश की ये स्थिति नहीं होती कि 70 साल की आजादी के बाद भी अगर इस देश के लोग शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सड़क के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई कई जगहों पर माननीय उपाध्यक्ष जी मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं कि गांव का ट्रांसफार्मर अगर बिजली का फूक गया है तो लोग बिजली के ट्रांसफार्मर को फिर से लगाने के लिए सड़क को जाम करते हैं। कई जगह पर अभी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, थोड़े दिन पहले की बात है, अब तो हमारी सरकार बन गई है और वहां परिस्थितियां बदल गई, लोगों को हत्या हो जाती थी, हत्या के बाद जब वो लाश सड़क पर रखते थे तब FIR लिखी जाती थी। अगर 70 साल के बाद किसी देश में ये हो रहा है कि बिजली का ट्रांसफार्मर फूक जाने पर बदलवाने के लिए उसकी लाश को रख करके FIR लिखाने के लिए ऐसी आवश्यकताएं पड़े तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने बड़े समय तक इस देश पर शासन किया है वो निश्चित रूप से दोषी हैं और उनको अपनी समालोचना करनी चाहिए और जो उन्होंने किया है उस पर चिंतन करके जो सरकार इस समय काम कर रही है उसकी मदद में और उसके समर्थन में उनको खड़े होना चाहिए और जो सरकार हमारी सकारात्मक काम कर रही है उसमें सहयोग भी देना चाहिए। जहां तक PF की पेंशन की बात है, आदरणीय हमारे प्रेमचंदन जी ने जो बातें रखी हैं
उसमें जो एक बड़ी बात भारत सरकार करने जा रही है वो ये किया है कि जो उन्होंने 27,000 करोड़ रुपए की बात की थी कि आवास के लिए उसका उस धन राशि का उपयोग किया जाए, हमारी सरकार ने ये कर दिया है कि पीएफ फंड को आप गिरवी रख करके सस्ते मकान की सुविधा ले सकते हैं और पीएफ के द्वारा अपनी जो किस्त होगी मकान की उसको देने का काम भी आप कर सकेंगे। ये एक बड़ी मदद हमारे कर्मचारियों के लिए होगी। उसके साथ साथ सरकार ने जो आप सभी आपको जानकारी होगी 2015 में अगस्त में एक ये सिस्टम शुरू किया था कि हम अपने जो ETF में निवेश है उसको प्रारंभ किया था, जून 2016 तक 7,468 करोड़ रुपए का निवेश इस फंड से किया गया था, जिसमें 30 जून 2016 तक 7.45% की वृद्धि हुई थी। ये निश्चित रूप से कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनकी मदद से इस सरकार ने ऐसे प्रयास किए हैं कि कर्मचारियों की भविष्य निधि से जो पैसा काटा जाता है वो पैसा भी सुरक्षित रहे, वो पैसा भी बढ़े और उसके साथ साथ जब उनको जरूरत हो भविष्य की किसी योजना के लिए, मकान बनाने के लिए, बीमारी के लिए या ऐसी कई बातें हो सकती हैं जिनके लिए जब आदमी को आवश्यकता पड़ती है तो वो उसके लिए उस धन का उपयोग कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार बहुत अच्छे तरीके से लोगों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है और इसके अच्छे परिणाम आएंगे यह भी निश्चित है। माननीय मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रेमचंद्रन जी भी हैं, मैं प्रेमचंद्रन जी को भारतीय जन अपनी सरकार की तरफ से अपनी वो ठीक अपनी सरकार की तरफ से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपकी चिंताएं वाजिब हैं, आपकी चिंताएं वाजिब हैं, लेकिन उन चिंताओं को आपने यहाँ पर उठाया ये आपका हक और अधिकार था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से ही इस पर चिंतन कर रही है और जैसा मैंने शुरू में कहा ये चिंतन आज हमारी सरकार ने नहीं प्रारंभ किया, ये 1951 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का जो सिद्धांत दिया था उसमें ही आर्थिक सुरक्षा लोगों को प्राप्त हो, सभी लोगों को शिक्षा मिले, सभी लोगों को चिकित्सा मिले, सबके पास रोजगार हो, सबकी जेब में पैसा हो, ऐसी अवधारणा लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और उसके परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। हमने सरकार बनने के बाद जो लोग हताश थे, निराश थे, 2014 का समय आपने देखा है, आप बहुत ही विद्वान सांसद हैं, इस सदन के सदस्य हैं, आपने देखा है 2014 में किस समय इस देश की कैसी परिस्थितियां थी, लोग हताश और निराश हो गए थे, लोगों को लगने लगा था कि ये देश बचेगा कि नहीं बचेगा, लोगों का विश्वास नेताओं से उठने लगा था, राजनीतिक दलों से उठने लगा था और उसका परिणाम था कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जब मतदान किया, हमारी सरकार ने पहले दिन ही ये तय कर लिया था कि इस देश की जो कमजोरियां हैं, जो 70 साल से समस्याएं दूर नहीं हुई हैं, उन समस्याओं को दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने पहले ही जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहला भाषण सांसदों के साथ दिया था तो उन्होंने कहा था कि हमको पहला काम ये करना है, हमको चिन्हित करना है कि हमारे देश की क्या क्या कमजोरियां हैं और उन कमजोरियों को दूर करके इस देश को सम्मान की स्थिति में ले जाना है। आज मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चिन्हित किया कि इस देश में महिलाओं को जितना सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था, इस देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों को बनाया और उन कार्यक्रमों को बनाने की स्थिति यह है कि आज 3 साल के बाद हमारे देश की बहनें, हमारी माताएं, हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो सम्मान पूर्वक ये कह सकती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 साल में उस परिदृश्य को बदलने का काम किया है कि जिसमें महिलाओं को हम सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं। आज चाहे उज्ज्वला योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ किसान इस देश की एक मूलभूत अवस्था थी, जो किसान इस देश की रीढ़ है। हमने ये तय किया इस देश में 70% लोग खेती से जुड़े थे और जब तक किसान मजबूत नहीं होगा तब तक ये देश मजबूत नहीं होगा, ये हमारी अवधारणा थी और उसके लिए हमारी सरकार ने पहले दिन से ही काम प्रारंभ किया और पहले दिन से काम प्रारंभ करके एक लक्ष्य को लेकर के हम चले हैं
कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे और हमने उसके लिए एक रोड मैप बनाया। रोड मैप बना करके किसानों को सस्ते दर पर हम ऋण उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। उनको खाद और बीज समय से उपलब्ध हो, खेती समय से बोई जाए और उसके बाद फसल बोने के बाद भी अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें फसल का नुकसान होता है, हमारी सरकार फसल बीमा योजना लेकर के आई है और फसल बीमा योजना के माध्यम से हमने ये प्रयास किया है कि किसान फसल बोने से अगर चूक भी जाता है तब भी हम उसको मुआवजा देंगे। फसल बो दी जाती है, फसल रहते समय अगर कोई नुकसान होता है तब भी हम उसका मुआवजा देंगे। और ऐसी परिस्थितियों में भी जब कि ऐसी स्थिति हो कि फसल कट जाए और कटने के लिए बाजार में जाने के लिए तैयार हो, उसके बाद भी अगर 14 दिन के अंदर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि फसल का नुकसान होता है तो भी हम उस फसल का मुआवजा देंगे, उसके साथ साथ फसल का पूरा दाम मिले, इसके लिए भी हमारी सरकार ने ई बाजार की अवधारणा बनाई। राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 250 से ज्यादा कृषि मंडियों को हमने ई बाजार से जोड़ दिया है और 31 मार्च सन 2018 तक 598 कृषि मंडियों को हम ई बाजार से जोड़ देंगे और ई बाजार से जोड़ करके किसानों की आमदनी दुगना हो, उनकी फसल का पूरा दाम मिले, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसको करते रहेंगे।